जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आज हम बात करने वाले हैं शनिवार के उपाय की। आप जानते हैं कि शनिवार का उपाय कर लिया जाए तो शनि से के नुकसानों से हम बच जाते हैं। शनिवार का उपाय अवश्य करते रहना चाहिए और सावन का महीना है इसलिए दूध और चावल अवश्य दान करते रहिए। दूध और चावल, और सावन के महीने में किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिए, क्योंकि यदि कोई मुख्य उपाय हो, जैसे पाठ पूजा से संबंधित कोई उपाय हो, कोई यंत्र का उपाय हो, कोई किसी भी तरह का जिसमें पाठ पूजा आ जाती है, तो वो सावन के महीने में करवाने में 10 गुना लाभ मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सावन के महीने में अपनी जन्म पत्री किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को जरूर दिखाएं। तो अब हम बात करेंगे कि शनि का क्या उपाय है। देखिए, शनि का उपाय आज जो हमने करना है, जैसा मैंने बताया कि दूध और चावल तो करते रहिए, सावन का पूरा महीना करते रहिए, और आज सरसों के तेल की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरा दीजिए घर के बाहर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ गिरानी है, घर के अंदर गिरा दें, गमले में गिरा दें। जी नहीं, गमले में तो गिरा सकते हैं लेकिन वो आपका है इसलिए नहीं गिरा सकते। घर के बाहर रोड पे गिरा दीजिए, घर के बाहर पार्क में गिरा दीजिए, घर के बाहर कच्ची ज़मीन पे गिरा दीजिए, लेकिन वो जगह आपकी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इससे आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा, शनि नुकसान करने के स्थान पे लाभ देने लगेंगे। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए, फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो, हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओह।